नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, सबसे पहले तो कल रात को एक सी ग्रुप का रिजल्ट घोषित हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट में है। ये रिजल्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में है, ठीक है, कोई एसओसी है, कोई बायोलॉजी में है, कोई बैलिस्टिक है, ठीक है। तो इस तरह का रिजल्ट एक घोषित हुआ है। सबसे पहले तो नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जो रुके हुए रिजल्ट थे उन पे बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू हो गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो टीजीटी का रिजल्ट है, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी मैं भी आज शाम तक आएगा। डी ग्रुप की कट ऑफ लिस्ट भी, इसका मतलब सेकंड जो कट ऑफ लिस्ट है जो 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट की है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। और भी बाकी रिजल्ट्स हैं वो रिवाइज्ड हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि HSSC डी ग्रुप की बच्चे इतनी हाई मेरिट पे चले गए, कट ऑफ इतनी हाई चलेगी। और देखो यहाँ देखो इस रिजल्ट की कट ऑफ देखो आप, कैटेगरी नंबर 1 में जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है बायोलॉजी के SC की, उसमें मात्र 59.85 मेरिट है, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी 2 में ये SOC वाले हैं, इसमें BCA 65 है, EWS 70 है, SC 68 है, जनरल 72 है, ये एक अच्छी पोस्ट है। उसके बाद ये जो है बैलिस्टिक की है, इसमें भी BCA देखो 59, 57, 67, यहाँ देखो कैटेगरी 4 है, BCA 59 है, EWS 57 है, डॉक्यूमेंट्स की है ये, जनरल की मात्र 67 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हरियाणा डी ग्रुप की जब 2, 3, 4 वेटिंग लिस्ट आएंगी तो विश्वास करो मेरिट वही आपकी 66, 67 तक ही, 68 तक ही रहनी है। अभी एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट्स की, बहुत जल्दी आपको, यदि संभवतः आज आपको शाम तक ही एक दो रिजल्ट और देखने को मिलेंगे TGT का। अच्छा, एक और अच्छी बात है कि यहां जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, वो 95 में से आया है, 95 में से ही आया है। और चूंकि वो फैसला तो 19 मार्च का है, तो उससे पहले 1-2 दिन में जितने भी रिजल्ट आएंगे ये सारे ही 95 में से आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेरोलॉजी की आई है, ये EWS 52 पे है, जनरल की 69 पे है, और भी 3-4 कैटेगरी और हैं, ये है मेरे ख्याल से 2-3 कैटेगरी और हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो के माध्यम से तो मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि जो मेरिट, अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों ने भी डी ग्रुप का एग्जाम दिया है, वहां इनके नंबर ज्यादा मिलेंगे, तो वो जो मेरिट है 77.38 है वो वास्तव में ही बहुत ज्यादा है। तो उसमें बहुत से बच्चे डी ग्रुप के बजाय और कैटेगरियों के बच्चे हैं। आगे आप देख लेना जो सी ग्रुप के और भी रिजल्ट आएंगे, TGT आएगा या फिर 56-57 ग्रुप का आएगा, उसकी भी बहुत जल्दी सुनवाई है। तो ये सारे जो है मेरिट ये 65-67 तक ही रहने हैं, ठीक है। और HSSC डी ग्रुप की तो बहुत 3-4 वेटिंग लिस्ट आएंगी, तो ये देख लेना लास्ट तक पद भी भरने की चल रही है बातें, तो ये लास्ट तक वही 66-67 तक आएगा। सभी बच्चे सफल होंगे, परिणाम आपके अनुकूल आएगा, और सभी बच्चों को हृदय से, जो कामयाब हुए हैं उनको हृदय से बधाई, धन्यवाद।